हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे ट्रेड फाइनेंस के टॉपिक में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2.6, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल ऑफ लेडिंग जो है ये एक एविडेंस होता है कि गुड्स जो है वो शिप कर दी गई है। ठीक इसी तरह इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट एक ये सर्टिफाई करता है कि जो भी गुड्स भेजे गए हैं उनकी क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड को चेक किया गया है। तो जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है यानी कि एलसी में जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट करते हैं, तो जो ऑफनली यूज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं एयर वे बिल, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइस, ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसी और सर्टिफिकेट, पैकिंग लिस्ट, स्पेसिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। तो ये सब हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एयर वे बिल। एयर वे बिल का मतलब होता है कि जो गुड्स भेजी जा रही है वो किसी एयरलाइन कंपनी के थ्रू भेजी जा रही है। तो जो एयर वे बिल होता है वो एक तरह से रिसीट होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एयर वे बिल जो है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं होता है, इसीलिए इसको एज अ निगोसिएबल डॉक्यूमेंट जो है हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो जो एयर वे बिल है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहला तो उसमें शिपर और कंसाइनी का जो डिटेल्स है वो करेक्ट होना चाहिए, और एयरपोर्ट कहाँ से वो डिपार्चर हो रहा है और कहाँ पे उसको पहुंचाया जाना है ये उसमें मेंशन होना चाहिए, फ्लाइट का नंबर और डेट उसमें लिखा होना चाहिए, और गुड्स का डिस्क्रिप्शन यानी कि कौन सी चीज जो है वो जा रही है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए, गुड्स का क्या वेट है, क्या मेजरमेंट है, वो सब उसमें लिखा होना चाहिए, और ये जिस एजेंट या कैरियर के द्वारा भेजा जा रहा है वो उसको साइन करेगा, और वो उसमें डेट भी देना होना जो है वो मैंडेटरी होता है, और इसमें फ्रेट जो है वो पेड है या जब वो पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे तब उसको पे करना है, ये चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग जो है ये शिपिंग कंपनी के द्वारा जो है रिसीट दी जाती है जो गुड्स शिप किया गया है उसका, और ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये बिल जो है इसको पार्टी ले जाके बैंक में अगर जमा करे और उसको वो डिस्काउंट कराए तो वो उसको एज अ निगोशिएबल डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकता है, और ये इसको टाइटल ऑफ द गुड्स भी हम लोग कहते हैं। एयर वे बिल जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम नहीं कर सकता है, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग जो है वो एक निगोशिएबल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। गुड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलीज किया जाएगा शिपिंग कंपनी के द्वारा जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, अगेंस्ट सरेंडर ऑफ ए साइंड ओरिजिनल ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग, और जब ओरिजिनल साइंड बिल ऑफ लेडिंग जो है वो कंसाइनर को दिया देगा जो बायर है, तभी उसको गुड्स जो है सरेंडर किया जाएगा। बिल ऑफ लेडिंग जो है वो निगोशिएबल है, और इसको इंडोर्स किया जाता है और डिलीवर किया जा सकता है, और ये एक पॉसिबल इंश्योरेंस क्लेम के लिए एविडेंस के रूप में भी यूज किया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग नॉर्मली जो है वो दो या तीन ओरिजिनल कॉपी में जो है प्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई एक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग सबमिट किया जाए गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए, तो बाकी के जो रिमेनिंग ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है वो उसकी वैलिडिटी फिर नहीं रहती है। बिल ऑफ लेडिंग जो है शिपिंग कंपनी का उसमें साइन रहेगा या फिर उसका कोई एजेंट है तो वो उसको साइन करेगा, और ये हमेशा जो है ओरिजिनल में इशू किया जाता है। तो इट विल इंडिकेट वेदर कॉस्ट ऑफ फ्रेट और कैरेज हैज बीन पेड और नॉट। इसमें यह भी इंडिकेशन किया हुआ रहता है कि जो फ्रेट है और या कैरेज का जो कॉस्ट है वो पेड है या फिर उसको ऑन डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद पे करना है। तो अगर ये प्रीपेड है यानी कि फ्रेट प्रीपेड अगर उस पर मेंशन है तो इसका मतलब कि ये जो शिपर है मतलब जो गुड्स भेज रहा है उसने ऑलरेडी इसको पे कर दिया है, और फ्रेट कलेक्ट अगर इस पे मेंशन है इसका मतलब कि जब ये गुड्स जो है अपने डिस्टिनेशन पे पहुंचेगा या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज जब ये पहुंचेगा तो वहां का जो बायर है वो उसको पे करेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती है, अगर उसमें ऑन बोर्ड मेंशन है इसका मतलब है कि उसमें एक्चुअल डेट ऑफ शिपमेंट जो है वो मेंशन होना चाहिए। क्लीन अगर है वो तो क्लीन में कोई भी शिपिंग कंपनी जो है वो नोटेशन नहीं देती है। फिर जो मेन पार्टीज होते हैं किसी भी बिल ऑफ लेडिंग में कौन कौन से मेन पार्टी होते हैं, सबसे पहला होता है शिपर यानी कि जो एक्सपोर्टर है जो गुड्स को भेज रहा है वो हो गया, फिर हो गया कंसाइनी जो कि गुड्स की डिलीवरी लेगा, फिर नोटिफाई पार्टी अगर इम्पोर्टर ने अपने किसी एजेंट को हायर कर रखा है जो कि उसको नोटिफाई करेगा गुड्स पहुंच गए हैं कि नहीं तो उसको नोटिफाई पार्टी कहते हैं, फिर है कैरियर, कैरियर यानी जिस भी मोड से या कन्वीनियंस
से जो गुड्स है वो शिप किया गया हो तो उसको हम लोग कैरियर कहते हैं। तो यूसीपी 600 में जो बिल ऑफ लेडिंग है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो इसमें करेक्ट शिपर, कंसाइनी और नोटिफाई पार्टी का जो नाम है वो मेंशन होना चाहिए। कैरिंग वेसल, पोर्ट ऑफ लोडिंग और डिस्चार्ज इसमें मेंशन होना चाहिए। रिसीट का प्लेस क्या है, डिलीवरी का प्लेस क्या है, अगर ये अलग अलग है तो उसमें मेंशन होना चाहिए। गुड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो भी उसमें मेंशन होगा, वेट या मेजर कुछ है तो वो मेंशन रहेगा, और शिपिंग मार्क्स और नंबर जो है कंटेनर नंबर कुछ है तो वो उसमें मेंशन रहेगा। और इसमें ये भी, ये हर जगह मेंशन होगा फ्रेंड्स कि फ्रेट जो है वो पेड है या फिर एट डेस्टिनेशन वो पेबल है, तो ये हर चीज में आपको मिलेगा। और इसका जो डेट होगा वो लास्ट डेट फॉर शिपमेंट के पहले का होगा, ठीक है। और इसमें जो कैरियर है मतलब जिस शिपिंग कंपनी या पोर्ट के द्वारा ये भेजा जा रहा है उसका एक्चुअल नेम जो है वो उसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में यूज होता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसे कि ओरिजिन के नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये एक चीज का जो गुड्स है उसका वो सर्टिफिकेट रहेगा, जिसमें कि ये डिक्लेयर किया रहेगा कि जो गुड्स है वो एक्चुअल में किस कंट्री से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसमें कंपनी का नाम और एड्रेस मेंशन होगा जिसको कि हम लोग कंसाइनर बोलते हैं, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर किसी गुड्स को भेज रहा है तो उसका भी नाम और एड्रेस इसमें मेंशन होगा, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का ही नाम उसमें मेंशन होगा। जो पार्टी जिसको गुड्स भेजा जा रहा है जो कि बायर है और या फिर उसका इश्यूइंग बैंक, ये उसका नाम जो है वो भी उसमें मेंशन होगा। फिर जिस कंट्री से वो गुड्स ओरिजिन हुआ है उस कंट्री का नाम उसमें मेंशन होगा। उसके बाद जिस ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से वो जा रहा है उसका डिटेल्स उसमें मेंशन होगा। पैकेज नंबर, शिपिंग मार्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स उसमें मेंशन होगा, कोई वेट या मेजरमेंट है तो वो उसपे मेंशन होगा। फिर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, जैसे अगर कोई प्लेस ऑफ रिसीट है और प्लेस ऑफ डिलीवरी है और वहां पे दो या दो से अधिक जो है ट्रांसपोर्ट मॉडल मोड जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट को हम लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट या कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है उसमें कम से कम जो है दो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज किए जाएंगे, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्री प्रिंटेड होता है वर्डिंग में या फिर इसमें स्टैम्प के द्वारा नोटेशन किया रहता है और डेट इंडिकेट किया रहता है। इसमें ये भी मेंशन रहता है कि गुड जो है वो डिस्पैच कर दी गई है और टेकन इन चार्ज और शिप्ड ऑन बोर्ड, इसमें से कुछ भी जो है वो उसके ऊपर मेंशन रहता है। तो लायबिलिटी जो है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की, ये जब आपका जो शिपिंग जो है गुड्स का वो जब स्टार्ट होगा तब से उसका लायबिलिटी शुरू होगा, और जहां पे वो डिलीवर किया जाएगा गुड्स वहां पे उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म होगी। तो जो कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, उसमें नॉर्मली जो है कंसाइनी और नोटिफाई पार्टी का जो डिटेल है वो मेंशन रहेगा, जहां पे गुड्स जो है वो रिसीव करनी है उस जगह के बारे में वहां पे डिटेल दिया हुआ रहेगा, फ्रेट प्रीपेड है या पोस्टपेड है ये उसमें लिखा रहेगा, डेट ऑफ डिस्पैच यानी जिस डेट को डिस्पैच किया गया है या टेकिंग इन चार्ज डेट जो है या ऑनबोर्ड नोटेशन है वो उस डॉक्यूमेंट पे मेंशन रहेगा, और कितने जो है ओरिजिनल्स इशू किए गए हैं वो नंबर ऑफ ओरिजिनल्स उसमें मेंशन रहेगा। फिर जो कैरियर, जिस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का जो कैरियर है जिसके थ्रू उसको भेजा जा रहा है सामान को, उसका सिग्नेचर भी उसके ऊपर रहेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस जो है जो गुड्स शिप कर दी गई है उसके स्टेटमेंट को ही हम लोग कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं। एक तरह का जो बिल जनरेट होता है फ्रेंड्स गुड्स का उसी को यहाँ पे कमर्शियल इनवॉइस कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ड्यू भी होता है, इसमें जो गुड्स शिप की गई है उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा और उसके प्राइस का लिस्ट रहेगा जो कि बायर और सेलर के बीच में एग्री किया गया है, और उसमें जो भी बेनिफिशियरी को जिसको इशू किया गया है यानी कि सेलर का नाम उसमें मेंशन रहेगा, बायर का नाम भी मेंशन रहेगा, और उसमें बेनिफिशियरी जो है उसका सिग्नेचर होगा। इसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मेंशन रहेगा, कितने नंबर ऑफ ओरिजिनल जो है ये इनवॉइस इशू की गई है वो भी उसमें मेंशन रहेगा, यूनिट का प्राइस कितना है, मतलब एक यूनिट का प्राइस अगर 10 रुपया है तो क्वांटिटी के हिसाब से अगर 10 क्वांटिटी ली गई है तो उसका प्राइस जो है 100 रुपीज होगा, तो उसी तरह से उसमें ये बिलिंग जो है वो की जाती है, और उसमें ये भी स्टेटेड रहता है कि अमाउंट जो है वो पेबल है या फिर वो पे कर दिया गया है,
और बाकी के जो शिपिंग टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे वो उसमें मेंशन रहेंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये जो है एक डिमांड फॉर पेमेंट होता है जिसको कि एक्सपोर्टर इशू करता है इम्पोर्टर के लिए, और इसमें नॉर्मली जो है दो सेट होते हैं इशू, अगर फर्स्ट ऑफ एक्सचेंज और सेकंड ऑफ एक्सचेंज है, और अगर ये सिंगल इशू किया जाता है तो उसको हम लोग 16 बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। किसी भी बिल का टेन्योर जो है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है एट साइट, एक होता है आफ्टर ए फिक्स्ड टर्म, या उसको हम लोग यूजेंस पीरियड भी बोलते हैं। तो साइट बिल या ड्राफ्ट जो होता है वो ऑन डिमांड पेबल होता है, ठीक उसी तरह जो यूजेंस बिल होता है इसमें एक फिक्स जो है डिटरमाइनेबल जो पीरियड है वो उसमें दिया जाता है, जिसमें कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज जो है वो मेंशन होते हैं। उसके बाद मतलब जब साइट पीरियड जो है वो खत्म होने के बाद उसको कुछ दिनों का टाइम दिया जाता है, और उस टाइम के बाद जो है वो उसको बिल पे करना होता है। तो इसी तरह इसी को हम लोग साइट या डेट ऑफ द ड्राफ्ट या डेट ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग के बाद जो है ये पेमेंट किया जाता है। दिस पीरियड इज यूजुअली ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज 30, 60, 90 आफ्टर आइदर साइट और द डेट ऑफ द ड्राफ्ट और द डेट ऑफ द बिल ऑफ लेडिंग। यानी कि साइट पीरियड या फिर जो ड्राफ्ट का डेट है या फिर जो डेट का बिल ऑफ लेडिंग है उसके बाद उसको 30, 60 या 90 डेज जो भी उसको दिया जाता है वो उसका जो है फिक्स टर्म एक दे दिया जाता है, उसके बाद उसको पे करना होता है। तो ये हमारा यूजेंस का केस हो गया। और साइट का केस कब होगा, जब उसको इमीडिएट पेमेंट जो है ऑन डिमांड करना पड़े। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या डिफाइन होगा, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है इन राइटिंग। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड कि बिल ऑफ लेडिंग जो है वो अनकंडीशनल होता है, और इसमें जो है वन पर्सन के द्वारा इसको एड्रेस किया जाता है और दूसरे पर्सन के ऊपर इसको एड्रेस किया जाता है। तो जो जिसके ऊपर एड्रेस किया गया उसको ड्रॉअर कहते हैं, और जिसके ऊपर एड्रेस किया गया उसको ड्रॉई कहते हैं। इसमें जो पर्सन जो बिल ऑफ लेडिंग जो है ड्रॉ कर रहा है उसको हम लोग ड्रॉअर कहेंगे। रिक्वायरिंग द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस्ड, और जिसको भेजा जा रहा है, यानी कि इसमें ये सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लिए फ्रेंड्स, इसमें बायर और सेलर दोनों का ही जो है मेंशन रहेगा ऑलवेज। और इसमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो भी डिफाइंड रहती है, और ये पे ऑन डिमांड है या फिर इसको फिक्स्ड, मतलब ये साइट का केस है या यूजेंस का केस है ये भी उसके ऊपर मेंशन रहेगा। टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बेयरर, यानी कि ये किसी ऑर्डर के बेसिस पे इशू है या फिर किसी स्पेसिफाइड पर्सन को देना है या किसी बेयरर को देना है, तो ये भी उस पर मेंशन रहता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी या सर्टिफिकेट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये किस डेट से इफेक्टिव होती है, जिस डेट को ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इशू किया गया है उस डेट से पहले का ये जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए। इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो हमेशा जिस करेंसी में एलसी इशू की गई है उसी करेंसी में इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो भी होनी चाहिए। और ये यूजुअली जो बिल अमाउंट होता है यानी कि जो एलसी का अमाउंट होता है उसका प्लस 10% होता है। तो और इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक एक्शनेबल एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, और इसमें जो रिस्क कवर्ड होता है इंश्योरेंस में उसका भी डिटेल्स इसमें मेंशन होता है। इसमें जो इंश्योरर्स होता है उसके पास राइट टू क्लेम होता है। ठीक वैसे इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में क्या अंतर है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है ये एक्शनेबल नहीं होता है, पॉलिसी जो है वो एक्शनेबल होता है। और इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो है ये भी एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि कवर जो है वो एक ओपन पॉलिसी के अंदर लिया गया है, और इसमें जो रिस्क कवर्ड होता है उसका ब्रीफ डिटेल्स भी दिया होता है। उसके बाद इसमें जो इंश्योरर है उसको काउंटर साइन होता है, और जिस पार्टी के फेवर में इंश्योरेंस जो है इशू किया गया है उसका नाम उसमें मेंशन रहेगा, और किस वेसल या फ्लाइट के द्वारा ये भेजा जा रहा है उसका भी नाम उसमें मेंशन रहेगा, और कौन से जगह से उसका जो इंश्योरेंस है वो कमेंस हो रहा है वो भी प्लेस का नाम उसमें मेंशन रहेगा। तो इंश्योरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इंश्योरेंस नॉर्मली जो है एलसी में स्पेसिफाइड होता है या फिर जो सीआईएफ वैल्यू होती है यानी कॉस्ट इन फ्रेट की जो वैल्यू होती है उसका 110% जो है वो पॉलिसी अमाउंट जो है होता है। इंश्योरेंस कॉपी जो है उसमें आपका जो गुड्स है गुड्स का डिस्क्रिप्शन मेंशन रहेगा। उसके बाद अगर कोई एजेंट है जो कि क्लेम सेटल करने में हेल्प करेगा उसका नेम और एड्रेस उसमें मेंशन रहता है, और ये जहां भी नेसेसरी हो काउंटर साइन किया रह सकता है, और ये कौन से डेट को इशू किया गया है ये उसमें मेंशन होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो इंश्योरेंस का इशू डेट होता है
वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, ये उसके पहले का ही होना चाहिए। यानी कि गुड शिप करने से लेकर के गुड के डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक का जो भी इंश्योरेंस है वो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के डेट से पहले का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट स्पेसिफिकेशन। पैकिंग लिस्ट क्या है? पैकिंग लिस्ट जैसे कोई भी कंटेंट है या कोई क्रेट है या पार्सल है जिसमें कि कोई पैकिंग मटेरियल जो है वो दिख रहा है, तो इस तरीके के पैकिंग लिस्ट को हम लोग जब शिप करते हैं किसी भी गुड्स को तो वहां पे मार्क करते हैं। तो इसमें सारे गुड्स का मेजरमेंट और वेट जो है वो इंक्लूड रहता है, उसके साथ साथ जो गुड्स का डिस्क्रिप्शन है वो उसमें मेंशन रहेगा, और शिपिंग का कोई अगर मार्क या नंबर है तो वो भी उसमें के अंदर मेंशन रहेगा, जिसको कि हम लोग पैकिंग लिस्ट कहते हैं। फिर है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। कभी कभी क्या होता है कि इम्पोर्टर जो होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कंसाइनमेंट है वो इसको थर्ड पार्टी से जो गुड्स शिप किए जा रहे हैं उसको वो इंस्पेक्ट कराएं, या फिर ये जो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री है वहां पे भी इसको इंस्पेक्ट करा सकते हैं, या वेयर हाउस जहां से वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या गुड्स जो है जहां से पैकिंग की जाएगी या सील की जाएगी, तो सील करने के पहले पैक करने के पहले उसको इंस्पेक्ट करने के लिए जो है इम्पोर्टर रिक्वेस्ट कर सकता है। एक्सपोर्टर जो है वो एक वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करेगा अगर इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट किया है तो, और उसके साथ अदर जो ट्रेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जैसे इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट हो गया, शिपिंग बिल हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो नेगोशिएटिंग बैंक को देगी नेगोशिएशन के लिए। इसके लिए जो इंटरनेशनली रिप्यूटेड इंस्पेक्शन एजेंसीज होते हैं वो इंस्पेक्शन का काम करती है, जैसे कि SGS भी एक कंपनी है जो कि नॉमिनल चार्जेस पे जो है इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है। और इंस्पेक्शन मैंने जैसे पहले बताया फ्रेंड्स कि जो भी गुड शिप होने के लिए है उसका इंस्पेक्शन करना होता है, और जो भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच जो LC के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मेंशन होते हैं, तो गुड्स का जो स्टैंडर्ड भी है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो इंस्पेक्शन होगा इंस्पेक्शन में एज पर मेंशन इन LC वो सारी चीजों को इंस्पेक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो ये इम्पोर्टेंट ट्रेड डॉक्यूमेंट्स का चैप्टर है वो यहीं खत्म होता है। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।